हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी रसोई में। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ फेस्टिवल स्पेशल मिठाई की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये मिठाई जो है बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। आप इस मिठाई को घर पर बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाएंगे डोडा बर्फ़ी। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि डोडा बर्फ़ी बनाई किस चीज़ से जाती है? फ्रेंड्स, डोडा बर्फ़ी जो है गेहूँ के आटे और दलिया से बना कर तैयार की जाती है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे दलिया से बना करके तैयार करेंगे इस डोडे बर्फ़ी को। और इस डोडा बर्फ़ी को कई तरीके से बनाया जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि गेहूं को भिगोकर उसको अंकुरित करके भी बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे इंस्टेंट डोडा बर्फ़ी बना रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे दलिया से बना करके तैयार करेंगे इस डोडे बर्फ़ी को। तो चलिए फिर बिना देरी किए इस रेसिपी को बनाना फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो डोडा बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए आधी कप दलिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दलिया जो है ले लिया है और ये गेहूँ का दलिया है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे दलिया को अच्छे से रोस्ट कर लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। और यहाँ पर आप इसका टेक्स्चर देखिएगा फ्रेंड्स, बाद में ये जैसे फूले फूले से हो जाएंगे और बिल्कुल वाइट हो जाएगा, हल्का सा वाइट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें इसको लो फ्लेम पे चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको रोस्ट करते हुए लगभग 5 से 6 मिनट तक हो चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो इसके बाद हम यहाँ पर गैस को ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे बाहर। अब यहाँ पर हमारी दलिया जो है बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। ये देखिए, इसके दाने जो हैं सारे अच्छे से फूल गए हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसी कढ़ाई में 1 लीटर फुल फैट मिल्क ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध जो है इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे और उबाल आने तक अच्छे से पका लेंगे दूध को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध जो है अच्छे से उबल रहा है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे जो दलिया को रोस्ट करके रखे हुए थे उस दलिया को इसमें ऐड कर देंगे। और दलिया को इसमें ऐड करने के बाद हमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम को हम यहाँ पे दलिया को पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर दलिया जो है इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर दलिया इसमें ऐड कर दिया है दूध में। लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि दलिया अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फुल वॉच कीजिए, क्योंकि इसके बीच बीच में दलिया को पकाते समय इसमें कई सारे इन्ग्रीडियंट्स डले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। घी जो है आधी कप लगेगी, तो पूरी घी हमें इकट्ठा नहीं डालना है। हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके घी इसमें ऐड करेंगे और साथ में दलिया को पकाते रहेंगे और भी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें और इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी को स्किप करके देखते हैं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो इसके बाद घी जो है इसमें अच्छे से देख सकते हैं मेल्ट हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे आधी कप चीनी ले लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चीनी नहीं इस्तेमाल किया है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधी कप मिश्री। आप चाहें तो यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे मिश्री इसमें डाला है फ्रेंड्स। मिश्री जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मीठा आप अपने अनुसार रख सकते हैं जैसा आपको मीठा पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने मिश्री ऐड कर दिया है। इसके बाद मिश्री जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून फ्रेश कर्ड ऐड करेंगे, जिससे कि दूध जो है हल्का सा फट जाएगा और दानेदार इसमें टेक्सचर आएगा फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे दही डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दही को इसमें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, दही इसमें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो जब तक ये पक रहा है तब तक हमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे एक कटोरी ले लेंगे और इस कटोरी में 3 टेबल स्पून कोको पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे, जिस
जिससे कि इसका कलर जो है बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। और यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून ले लिया है कोको पाउडर। और इसके बाद हम यहाँ पे 1 पिंच रेड फूड कलर ऐड करेंगे, जिससे कि इसका कलर जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मैं यहाँ पर लगभग आधे कप के करीब दूध जो है इसमें ऐड कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, आप कोको पाउडर को डायरेक्ट कभी मिठाई में ना डालें, इस तरीके से कोको पाउडर को घोल करके डालें आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी दलिया जो है बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और इसमें बिल्कुल दानेदार टेक्सचर आ रहा है जो हमने दही ऐड किया था उसकी वजह से। इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है लगभग 50 ग्राम के करीब पनीर। पनीर इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। हम यहाँ पे पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। मैं यहाँ पर पनीर इसमें मेरे पास था तो मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ, इससे जो है मिठाई का टेस्ट और ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो इसके बाद हम यहाँ पे पनीर को इसमें डाल देंगे मिठाई में। तो मैंने यहाँ पे पनीर को इस मिठाई में ऐड कर दिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। और देख सकते हैं मिठाई में अभी अच्छे से उबाल आ रहा है और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। इस मिठाई को बनाने में लगभग आपको 1 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि हमें इसको लो फ्लेम पर पकाना रहता है। तो हम यहाँ पर पनीर को इसमें अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो पनीर को यहाँ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो हमने अभी घी जो है अभी एक ही बार ऐड किया है 2 टेबल स्पून। तो इसके बाद हम यहाँ पे फिर से इसमें घी जो है ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी जो है इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर से हम इसको अच्छे से पकने देंगे। और जब ये अच्छे से पक जाएगा तब हम यहाँ पे कोको पाउडर इसमें ऐड करेंगे जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था फ्रेंड्स। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पे 1 टीस्पून घी जो है फिर से इसमें ऐड कर दे रहे हैं। और घी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें कुछ ड्राई फ्रूट। तो मैं यहाँ पर काजू और बादाम ले रही हूँ फ्रेंड्स। आप इसमें कोई सा भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर ली हूँ 1/2 कप ग्रेट किया हुआ नारियल। नारियल की क्वांटिटी जो है इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नारियल जो है 1/2 कप यूज़ किया है फ्रेंड्स। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर से मैंने यहाँ पर लिया है 2 टीस्पून डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, यानी नारियल का बुरादा। और इसके बाद हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। अभी थोड़ी देर इसको और पकाना है। और इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। और इसके बाद फिर से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है डाल दिया है। तो फिर से हम यहाँ पे 1 टीस्पून घी इसमें फिर से ऐड कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया कि सारे घी जो है इकट्ठे नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी ऐड करेंगे। और फिर से मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून घी ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। और घी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको अभी अच्छे से पकाएंगे। अभी हमारी मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, तो हमें इसको ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से पका लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए, पहले से इसका कलर जो है और कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं।
तो हम इसको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेते हैं और गैस को ऑफ़ कर देंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है एक थाली और मैंने यहाँ पे एक पेपर लगा लिया है और घी को अच्छे से ग्रीस कर लिया है मैंने। तो इस थाली में हम यहाँ पे डोडा बर्फ़ी के मिश्रण को निकाल लेंगे। अगर आपके पास बर्फ़ी का ट्रे है तो आप उसमें उस ट्रे में इसको रख सकते हैं, जमा सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, बर्फ़ी का मिश्रण जो है बिल्कुल भी फैल नहीं रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और इसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। थोड़ी सी इसकी मोटाई जो है, थोड़ी सी थिकनेस ही रखेंगे, थिक रहती है ये, काफ़ी ज़्यादा मोटी बर्फ़ी रहती है। जैसा आप लोग बाज़ार से लाते हैं बिल्कुल वैसे ही बना करके तैयार कर रहे हैं डोडा बर्फ़ी को। और इसके बाद मैंने यहाँ पे पिस्ता और काजू बादाम से इसको अच्छे से गार्निश कर लिया है फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में। 2 घंटे में ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटे के बाद मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ तो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे इसको कट कर ले रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितने अच्छे से कट हो रहा है, इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल परफेक्ट था। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपके डोडा बर्फी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होंगे और बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। तो हम यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से कट कर ले रहे हैं। ये देखिए कितनी आसानी से कट हो जा रहा है। और मैं यहाँ पर आपको एक पीस निकाल करके अभी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बर्फ़ी जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएगी, मैं यहाँ पर आपको निकाल करके दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे और भी स्वीट्स की रेसिपी है तो आप उन सारी रेसिपी को भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितने अच्छे से मिठाई जो है निकल जा रही है। और यहाँ पर मैं आपको एक मिठाई जो है तोड़ करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी मिठाई का टेक्स्चर, लुक और कितना परफेक्ट आया हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है, हमारे डोडा बर्फी बन करके तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मिठाई जो है काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, आप लोग देखे होंगे बाज़ार में ऐसे ही मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी अमेजिंग रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।